फिर से आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं फ्रेंड्स। ये देख रहे हैं मेरे पास आज J5 का मोबाइल है। इसमें मतलब पावर IC बोलिए या बैटरी IC बोलिए या रेगुलेटर IC बोलिए, जो समझना है आप समझ लीजिए। मतलब इसका हाफ शॉट था, इसका पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें हाफ शॉट था, उसको हमने निकाल लिया है और रिबॉलिंग कर लिया है। और रिबॉलिंग का वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि इतना बनाता तो बहुत लंबा बन जाता, क्योंकि रिबॉलिंग में टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने पूरा IC का रिबॉल कर लिया है। और आपको बोल देते हैं कि ये J5 का मोबाइल है, ये J2 आपको J200 होता है उसमें पावर IC सेम होता है, उससे आप निकाल के लगा सकते हो। क्योंकि हम लोगों का बात यह है कि हर IC मतलब IC अभी नहीं उपलब्ध होता है हम लोगों को। अब मैं क्लियर बोल देता हूँ आपको, मतलब इंडिया में तो पूरा मिलता है, 100% मिलता है। आप जो IC खोजो, CPU RAM जो खोजो मतलब मिलता है, मगर इधर कुछ भी नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं हम लोग, मतलब रिबॉलिंग करके काम चलाते हैं, पुराना सेट में से निकाल के काम चलाते हैं। तो आप सब कमेंट में बोलेंगे तो मैं रिबॉलिंग का भी वीडियो बनाऊंगा, एकदम इजी से बता दूंगा आपको कि रिबॉलिंग करना बहुत भारी बात नहीं है, एकदम सिंपल बात है। बस एक दो बार आपको तकलीफ होगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो चलिए इसको हम IC लगा के दिखाते हैं आपको कि इसमें IC लगाने पर मोबाइल ठीक होता है या नहीं होता है। और ऐसा है फ्रेंड्स, देख रहे हैं IC का जो देख रहे हैं प्रिंट, IC का जो बल्ब देख रहे हैं, वो बल्ब आपको देख के लगाना चाहिए कि उसका डिजाइनिंग, IC का डिजाइनिंग बल्ब और बोर्ड का सेम मिलना चाहिए। क्योंकि IC आप अगर बल्ब अच्छा से कर भी लेते हो और लगा भी लेते हो, और IC का जो मतलब उल्टा पुल्टा मतलब उसका पोल होता है वो उल्टा करता दे, तो कभी नहीं आपको IC काम करेगा। इसीलिए आपको जब भी IC में एक पॉइंट भी बनाया होता है उसको ध्यान दीजिए कि वो पॉइंट किस तरफ है, वो आपको विचार कर लेना है या फ़ोटो खींच के रख लेना है यार। और नहीं तो बहुत से IC में आपको उसका जो होल होता है डिजाइनिंग वो नहीं मिलता है बोर्ड में, तो मुश्किल हो जाता है। फिर मिला कर ठेक्की उस पर रख दीजिए और दो आपको तीर जैसा साइन होता है उसमें इस पर्सन को दोनों को मिलाना चाहिए। देखिए IC मैंने रख दिया है। और IC में ऐसा होता है फ्रेंड्स, मैं आपको इससे भी अच्छा तरह से दिखा सकता हूँ, मगर मुझे दिक्कत यह है कि क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और मोबाइल जो आगे है, मेरा मोबाइल अच्छा से मुझे काम करने में डिस्टर्ब दे रहा है क्योंकि शूटिंग कर रहा हूँ। देखिए हॉटगन भी देने मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसीलिए आपको ये वीडियो 100% ओरिजिनल मैंने बनाया हुआ है, इसमें कोई फेक नहीं है। 100% IC चेंज कर सकते हैं आप, इतना भारी काम नहीं है। क्योंकि IC अगर आप अच्छा से बदल लेते हो, खास करके आजकल के मोबाइल में, तो आपका पैसा इनकम का अनलिमिटेड हो सकता है। मैं भी ये काम काफ़ी दिनों से छोड़ दिया था, पर इनकम थोड़ा मुझे भी लगा कि माइनस होने लगा है। मैं फिर रिबॉलिंग प्लेट मंगाया, पूरा रिबॉलिंग प्लेट भी मिलता है मेरे पास, सेट पूरा मंगाए हुए हैं हम, उसे मैंने रिबॉल किया और रिबॉल करके हम लगा रहे हैं। देख रहे फिर से IC निकाल दिया मैंने बोर्ड से, और इसको क्योंकि पेस्ट इसमें ज़्यादा हो गया था, फिर पेस्ट ज़्यादा लगा देते हैं आप तो IC का जो पोजीशन होता है वो हीट मारने से दूसरा तरफ हिल जाता है, फिर हिल जाता है। तो IC का तो लगाने के वक्त IC लगाने का मेन आपको यही मतलब कलाकारी होता है कि IC का जो सेम प्रिंट बल्ब होता है, बल्ब में बल्ब ठक के मिलना चाहिए सेम, बस IC लग जाता है, वही IC लगाने का मेन रीज़न है। और कई बार आप IC देते हो हवा से जो हिल के साइड हो जाता है तो आपका IC नहीं काम करता है, फिर आप डिप्रेशन हो जाते हो कि ये मुझे नहीं हुआ या IC नहीं लग सकता है। ऐसा नहीं है, आप आराम से दो, और जब पहले देते हो हीट तो थोड़ा हीट दो और बहुत कम गम लगा के दो। जब आधी से ज़्यादा चिपक जाती है, आप अनुमान करते रहो कि इसमें IC लगाते हैं हम, तो थोड़ा मतलब पकड़ लेना चाहिए, तब आप उसमें अच्छा से मतलब थोड़ा ज़्यादा भी हीट देंगे या ज़्यादा भी प्रेशर ईयर होगा तो दिक्कत नहीं है। मगर शुरू में मतलब जो शुरुआती होता है IC लगाने में, वहीं पर आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए मैं अभी भी दे रहा हूँ, बहुत ऊपर से हॉटगन का दे रहा हूँ, पाइप जो हॉटगन का है उसका मैं एक हाथ से दबाऊँ कि ईयर ज़्यादा नहीं जाए, क्योंकि IC जो आपको उधिया जाता है हवा से बाहर उसको फेंक देता है, तो फिर IC लगाने पर काम नहीं करेगा आपको। अब इसी तरह फ्रेंड्स, आप किसी भी IC को चेंज कर सकते हैं, आपको मिलता है तो किसी IC को चेंज कर सकते हैं। IC चेंज करना बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत पुराने बहुत टाइम से कर रहा हूँ, 5130 ब्लूटूथ IC, पावर IC, 6120, ये सब 1200 का UMI IC सब बदल के मैं चुका हूँ। बीच में मैं छोड़ दिया था काम, क्योंकि मैं सोच रहा था, मुझे एक बंदा आया उसने बोल दिया कि यह मोबाइल का काम ख़त्म होने वाला है, मैं भी उस बात को मान गया, फिर कामें छोड़ दिया बिल्कुल। पर होता है काम, आप कीजिए होता। देखिए मैं दे रहा हूँ पेस्ट, बहुत साइड में दे रहा हूँ, अभी IC पर नहीं फिरना है। IC पर अगर, क्योंकि अभी बोर्ड से वो कनेक्ट IC जो है ना कनेक्टिंग नहीं हुआ है, मतलब यानी सोल्डिंग नहीं हुआ है, तो सोल्डिंग नहीं हुआ तो इस टाइम में आपका IC जो साइड हो जाएगा,
हवा से बाहर चला जाएगा तो फिर बल्ब बिगड़ जाएगा, फिर काम हैरानी हो जाएगी। इसीलिए आपको बहुत आराम से ईयर मतलब हीट और ईयर को विचार करके और ऊपर से देना है, बस ऊपर से देना है। आईसी का जो थोड़ा पर्सन हो जाए लग जाता है ना, तो मतलब यही मेन होता है। देख रहे हैं मैं भी पेस्ट दे रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा हीट दे रहा हूँ, यही लगाने का मेन रीज़न होता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये J5 का किसी मॉडल में आप आईसी लगाओ, यही मतलब तरीका है आईसी लगाने का। आप देख ही रहे हैं मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है और मैं क्या करूँ, मतलब उसको मिलाना पड़ता है, यही कलाकारी होता है मोबाइल का आईसी लगाने में। देख रहे हैं आप, मैं इसको हिलाकर देखता हूँ एक बार कि ये लगा, देखिए देखते हैं एक बार चिमटा से, ज़्यादा नहीं हिलाना है, बस उसको चेक करना है कि ये मेरा बोर्ड से कनेक्ट हो गया। तो मैं उसको थोड़ा हिलाया और कनेक्ट हो गया, देख रहे हैं आप, उसमें मैं भिरा भी दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देख रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा कुछ ना कुछ पॉइंट तो उसको पकड़ लिया है ना, अब वो डिसाइड नहीं होगा। अब इस पर हम थोड़ा अच्छा से हीट देंगे, अब देख रहे हैं दे रहे हैं अच्छा से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑटोमेटिक से आप इस पर हीट देते हो नॉर्मल में, मतलब आईसी आराम से मतलब अपना जो पोजीशन होता है वो ले लेता है, थोड़ा इधर उधर वो भी होता है तो वो ले लेता है। देखिए हो गया है, हीट थोड़ा नॉर्मल पे दीजिए, ज़्यादा हीट नहीं, क्योंकि दूसरा भी पार्ट होता है साइड में, सीपीयू वगैरह वगैरह होता है दूसरा पर, मतलब जो काम का चीज़ है उसी को छेड़ना है, बगैर काम को नहीं छेड़ना है रिपेयरिंग में ये, तो मोबाइल रिपेयर में आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि दूसरा मतलब आपको पावर ऐसे बदलना है और सीपीयू में हीट दे दे दो तो सीपीयू ख़राब हो जाए, तो पावर ऐसे बदल कर भी कोई काम नहीं है। तो इसीलिए देख रहे हैं हम इसको हीट दे के दे दिए हैं, अब हीट दे दिया है, उसको थोड़ा सफाई कर देते हैं ब्रश से, क्योंकि पेट्रोल से साफ कर देते हो आप तो थोड़ा आईसी भी हीट होता है जो लगाने वक्त में, तो थोड़ा कूलिंग हो जाता है, फिर उसका ख़राब होने का चांस बहुत कम रहता है। और ऐसा है फ्रेंड्स, आप भी आईसी का काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, क्योंकि आईसी का जो हार्डवेयर का काम है जो कर लेते हैं अच्छा से, तो उसका इनकम कितना है कोई गारंटी नहीं इसका। उसको हम चेक करेंगे अभी अब कि क्या मैं जो आईसी लगाया वो काम किया कि नहीं किया। और वीडियो और थोड़ा साउंड में अगर दिक्कत आपको आया तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतना मतलब नहीं है, ये क्या बोलता है सेटअप वटअप बोलते हैं वो सब नहीं, पूरा तैयारी है, मैं जैसा ही वैसा ही आपको दिखा रहा हूँ बस काम करके, कि आप मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको सीखने में कुछ मिल रहा है, कि लग रहा है कि आप किस बंदे का वीडियो मेरे लिए काम का है, तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वही ऐसा ही वीडियो सब मैं डालता रहता हूँ कि दूसरा आदमी को हेल्प मिले, खास करके नया दुकानदार नया टेक्नीशियन जो बनना चाहता है उसको, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी काम आदमी को सिखाना है तो ऐसा सिखाना चाहिए जो सीख ले सीख सके कोई, मेरा भी यही मकसद बन गया है अब। देखिए पावर सप्लाई का हम देते हैं करंट और उसमें हम चेक करते हैं, ये हाफ शॉट वाला मोबाइल था फ्रेंड्स, मैं आपको अगले वीडियो में बनाया हुआ हूँ, देख रहे हैं ऑन कर रहे हैं, स्विच में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि देख रहे हैं आप दबाते हैं, देखिए ऑन हो गया मोबाइल, आराम से हो जाता है कि। अगर आप कोई स्पोर्ट आदमी वीडियो देख रहे हो जो आईसी का ज़्यादा काम करते हैं तो मुझे एक बात ज़रूर बताइए कि जो आईसी के साथ जो पेस्टिंग किया होता है साइड में काला वाइट जो आईसी मतलब बगल में जो दिया होता है वो पेस्ट को कैसे हम निकालेंगे, बस वो मुझे बताइए, मैं आपको, क्योंकि वही मुझे पेस्ट अभी तक नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पेस्ट मिलने से कोई भी आईसी को निकाल के रिबॉलिंग कर सकता है। मेरे पास एक टूल मंगाया पर उससे मुझे नहीं 100% रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि जब निकालते हैं तो या आईसी का प्रिंट कट जाता है या बोर्ड बिगड़ जाता है, देख रहे काम कर रहे पूरा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आप कर सकते हैं कि आईसी बदलना उतना बड़ा काम भी नहीं है, आप करते करते मतलब एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक हो जाता है, कोई सीख के पहले नहीं आता है, कोई भी आदमी यही पृथ्वी पर आता है सीखता है एक्सपीरियंस बनता है, चाहे कितना बड़ा स्पोर्ट हो कितना बड़ा कुछ भी हो। इसी तरह आप भी आईसी वाला काम कीजिए, अच्छा काम है, क्योंकि काम जो भी करते हैं पूरा कीजिए, मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो पूरा अच्छा से कीजिए जितना होने वाला है। देख रहे ये आईसी है उस बोर्ड में से निकाला हुआ, मतलब ये आईसी मतलब हाफ शॉट से मैंने पहले बनाया हुआ वीडियो एक देख रहे हैं आप, देख लीजिए आपको नहीं यकीन है तो देख लीजिए। और ये J2 का बोर्ड है, ये J2 का बोर्ड है, इसी में से मैंने आईसी निकाला हुआ है और ये आईसी को मैंने रिबोल करके इसमें लगाया हुआ है, बस इतना ही काम किया, क्योंकि मैं भी छोटा छोटा एक्सपीरियंस करता रहता हूँ। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय।